हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना एंड दिशा पाटनी स्टारर एक्शन सस्पेंस थ्रिल एंड देशभक्ति वाली प्लेन हाईजैक पे बेस्ड मूवी योद्धा रिलीज हो गई है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी की कहानी में हम देखते हैं कि सुरेंद्र कात्याल यानी रोनित रॉय इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पे पोस्टेड होते हैं, जो स्पेशल मिशन को हैंडल करने के लिए योद्धा नाम की एक स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत करते हैं और एक मिशन को अंजाम देते वक्त वो शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अपने पिता सुरेंद्र कात्याल की तरह ही योद्धा टास्क फोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा करना उनके बेटे अरुण कात्याल का सपना बन जाता है और आगे चलकर वो योद्धा को ज्वाइन करने के साथ ही उसे लीड भी करने लगता है। अरुण की शादी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रही प्रिया से होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब वो देश के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए जिस प्लेन में होता है उसे हाईजैक कर लिया जाता है और काफी कोशिश के बावजूद भी वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बचाने के इस मिशन में फेल हो जाता है और उस पर और उसकी पूरी टीम पर इंक्वायरी बिठाकर उसे और उसकी टीम को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद स्टोरी में आगे बढ़ते हुए ट्विस्ट तब आता है जब दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट की जगह कॉन्स्पिरेसी के चलते अरुण को दिल्ली से लंदन वाली फ्लाइट में भेज दिया जाता है और इस प्लेन को टेररिस्ट के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, जिसका ब्लेम बड़ी ही चालाकी से अरुण पर लगा दिया जाता है। अब अरुण कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करके टेररिस्ट को पकड़कर अपनी बेगुनाही को प्रूव कर दोबारा योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स को शुरू करवाता है, यही इस मूवी का प्लॉट है। एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक आर्मी वाले के रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन सीक्वेंसेस सभी कुछ बेहतरीन है, जो उनपे काफी सूट करता है। वही सिद्धार्थ की वाइफ के रोल में एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी अच्छा काम किया है और एज एन एयर होस्टेज के सस्पेंसफुल कैरेक्टर को दिशा पाटनी ने बखूबी प्ले किया है। मूवी में ऐसे बहुत से डायलॉग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो एंगेज करके रखते हैं, लेकिन कश्मीर एंड पाकिस्तान वाले इशू को बॉलीवुड मूवीज में इतना बुनाया जा चुका है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल अपने टॉप लेवल एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सॉन्ग्स और पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग्स के चलते ये मूवी काफी एंटरटेनिंग बन जाती है, जिसे फैमिली के साथ वन टाइम वॉच किया जा सकता है।